आज हम क्लास 12th की फिजिक्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल सिलेबस को हमने 10 यूनिट में डिवाइड किया है। जिसमें से पहली यूनिट है, पहली यूनिट का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले बात करते हैं इस वर्ड का मीन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो शब्द कनेक्ट है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का मीन है चार्ज। स्टैटिक्स, स्टैटिक वर्ड कनेक्ट रहता है एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किस कंडीशन में, एट रेस्ट पोजीशन में। हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन क्या हुआ, दिस इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन एट रेस्ट पोजीशन। बात आती है चार्ज की, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो वर्ड आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। इसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास की एक रॉड को यदि सिल्क के क्लॉथ से रब किया जाए तो इस प्रोसीजर में ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाती है। सेकंड ग्लास रॉड ली, उसे फिर वही क्लॉथ से रब किया, रब करने पर यह भी पॉजिटिव हो गया। एक रॉड को फ्रीली सस्पेंडेड करके सेकंड रॉड को उसके नियरेस्ट लाते, एक रॉड दूसरी रॉड को रिपल्स करने लगती। सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास रॉड ली और एक प्लास्टिक रॉड ली, ग्लास रॉड को वही सिल्क के क्लॉथ से रब किया, प्लास्टिक रॉड को भी हमने सिल्क के कपड़े से रब किया। जब ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लाते हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन आता है। क्या देखा हमने, ग्लास रॉड को रिपल्स कर रही है जबकि ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट कर रही है। इट मींस तो दोनों को रब करने पर वो चार्ज हो गई। ग्लास रॉड सिल्क के रब करने पर अलग चार्ज आया, वैसे ही प्लास्टिक रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करने पर अलग चार्ज है। इट मींस जब क्लासिफिकेशन की बात की गई तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जो कि ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करने पर ग्लास की रॉड पर आया, एक नेगेटिव चार्ज जो प्लास्टिक की रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करने पर आया। इट मींस चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज की बात करें, सिंपल एग्जांपल सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। कॉन्फिगरेशन की बात की जाए तो 2, 8 और 1, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करें या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करें। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इजी रहेगा। क्या करते हैं, तो सोडियम को जैसे ही हीट किया जाता है इसका लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और सोडियम सोडियम आयन में चेंज हो जाता है, बन जाता है सोडियम आयन Na+। क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो 2, 8 एंड 7। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, तो निश्चित है ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। Cl-
इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो सोडियम एनायन बन गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्लोरीन कैटायन बन गया। इसी बेस पर हमने देखा चार्ज टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के लॉस से और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के गेन से। क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा कि चार्ज टू टाइप के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक, और एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉजेस क्या हुआ, चार्ज। डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए मैटर। इलेक्ट्रिक फोर्स का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। चार्ज की बात है इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसे यूनिट कूलाम माने गए। कूलाम कहां से, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं करंट का। करंट दिस इज चार्ज अपॉन ए टाइम। यहां से यदि चार्ज बोलें, करंट इंटू टाइम, करंट और टाइम का मल्टीपल क्या बन गया, चार्ज। करंट यूनिट है एम्पियर, टाइम की यूनिट है सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड ही कहलाता है आपके कूलाम। देखो तो ऐसे सिस्टम में चार्ज को किसमें मेजर किया जाता है, कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज की यूनिट एक ऐसे सिस्टम और एक सीजी सिस्टम है। ऐसे सिस्टम में भी हमने पढ़ी थी, ऐसे सिस्टम में चार्ज को मेजर किया जाता है कूलाम में, और सीजी सिस्टम में चार्ज को मेजर किया जाएगा ESU, फुल फॉर्म में इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। दोनों में रिलेशन है, एक कूलाम चार्ज 3×10⁻⁹ इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट के इक्वल माना गया। अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज की बात करी तो हमने पढ़ा चार्ज को माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम में फाइंड आउट किया जा सकता। 1 mC means 1 mC वैल्यू होती है 10⁻³ कूलाम, 1 µC वैल्यू 10⁻⁶ कूलाम, 1 nC 10⁻⁹ कूलाम एंड 1 pC 10⁻½ कूलाम। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट में हम जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, थर्ड कूलाम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट ऑफ चार्ज, देन रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, देन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। पहली बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, दिखाई दे रहा है अभी हमने फर्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाती है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार हमने देखा था एबोनाइट या प्लास्टिक रॉड को जब फिलालेन के कपड़े से रब किया जाएगा तो जो फिलालेन कपड़ा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि प्लास्टिक रॉड या एबोनाइट जो रॉड है वो नेगेटिव चार्ज। तो देखा हमने प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज ए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द रबिंग ऑफ टू सुटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स इज इन ग्लास आर लूजली बॉन्ड। क्या देखा हमने, ग्लास रॉड पॉजिटिव क्यों हुई और सिल्क जो क्लोथ है वो नेगेटिव क्यों हुआ। तो हमने क्या देखा, ग्लास रॉड के पार्टिकल्स में या एटम्स में जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंडेड है। देखो कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास आर लूजली बॉन्ड इन इट देन द इलेक्ट्रॉन इन सिल्क। सो व्हेन ग्लास एंड सिल्क आर रब्ड टुगेदर द कंपैरेटिवली लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास गेट ट्रांसफॉर्म टू सिल्क। क्या देखा, इन दोनों को एक दूसरे से रब करने पर जो ग्लास रोड में लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं किस पर, सिल्क क्लॉथ पर, जिससे ग्लास रॉड तो पॉजिटिव हो जाती है सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो जाता है। एज अ रिजल्ट ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इसके अपोजिट देखें, बात करें एबोनाइट की और फिलालेन क्लॉथ की। क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इन फर या फिलालेन आर लूजली बॉन्ड इन देन
द इलेक्ट्रॉन इन एबोनाइट, इसका मतलब एबोनाइट की कंपैरिजन में ज्यादा लूजली बॉन्ड किस में है, फिलालिन क्लोथ में। तो जब इन दोनों को एक दूसरे से रब करेंगे तो लिख रखा है इलेक्ट्रॉन इन फर आर लूजली बॉन्ड इन देन द इलेक्ट्रॉन इन एबोनाइट, सो वेन एबोनाइट एंड फर आर रब्ड टूगेदर द कंपेरेटिव लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिलालिन ट्रांसफर टू द एबोनाइट, एज रिजल्ट एबोनाइट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड फर और फिलालिन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी वेन एवर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। If the electrons are transformed from one a body, then the deficiency of electrons make the body positive. If the electrons are gained by the body, then the excess of electrons make the body negative. If the two bodies from the following list are rubbed, then the body appearing early in the list is positively charged, whereas the latter is negatively charged. Example, किस किस के लिए हमने for और फिलालिन, ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, अम्बर, रेजिन, सल्फर, रबर, एबोनाइट। कॉलम फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, कॉलम सेकंड में नेगेटिव। इसको तो ग्लास की रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया जाएगा तो ग्लास जो रॉड है वो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, सिल्क रब के सिल्क या जो है वो नेगेटिवली हो जाएगा। ऐसे ग्लास के बाद वूल, फिलालिन, एबोनाइट या ड्राई हेयर, इधर नेगेटिव की बात करते हैं एम्बर, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड कॉम। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अभी अपने पढ़े थे बेंजामिन फ्रैंकलिन में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर हमने सेकेंड में एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, सेकेंड लाइक चार्जेस रिपल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। प्लस 2 कूलम, प्लस 5 कूलम एंड माइनस 3 कूलम अगर एड किए जाएं तो टोटल कॉम्बिनेशन में ये बनता है प्लस 4 कूलम। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज को क्वांटाइज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्क्रीट पैकेट रादर देन इन कंटिन्यूस अमाउंट। It can be expressed in integral, multiple, fundamental, in form of fundamental electronic charges. बड़ा हमने charge on electron E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then the total quantity of charge at a body denoted by Q is equal to Na. Then positive or negative. Positive charge है तो positive sign use करेंगे, negative charge है तो negative जानने N numbers के लारे 1, 2, 3, 4. Charge is converged, it means the algebraic sum of positive and negative charge is an isolated system remains constant. कि किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट बना रहता है। When a glass rod is rubbed with silk cloth, negative charge appear on the silk and an equal amount of positive charge appear to the glass rod. The net charge on the glass silk system remains zero before and after rubbing. It does not change with velocity also. Note, recently the existence of quark of charge, quark एक charge की quantity मानी गई है जिसे हम positive quark और negative quark की definition में चलते हैं, कि quark charge 1 by 3 of E and 2 by 3 of E has been postulated in quark are detected in any experiment with कॉन्क्रीट पार्टिकल एविडेंस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज विल बी आइदर 1 बाई 3 ऑफ ई और 2 बाई 3 ऑफ ई। हाउ एवर द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन विल होल्ड गुड। नेक्स्ट आ जाता हमारे कूलॉम्स लॉ। पढ़ा हमने ऊपर, हमने पढ़ा था देखो लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम्स ने एक लॉ फाइंड आउट किया जिसे हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन
अब ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कूलम्स लॉ अपीयरिंग इन स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. मान लिया दो चार्जेस है, Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज. फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 है, सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2 है, देन मेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज आर. देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देन. देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. दोनों को कंबाइंड करके लिखा जाए तो एफ प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. प्रोपोर्शनल सिंबल हटने पर कॉन्स्टेंट आ जाए, जैसे हम कूलम्ब कॉन्स्टेंट कहते हैं. देन कूलम्ब इन मैथमेटिकल फॉर्म एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कॉन्स्टेंट और कूलम्ब कॉन्स्टेंट. इन वैक्यूम द वैल्यू ऑफ के इज कॉन्स्टेंट, के इज इक्वल टू 1/4πε0, वेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इन मीडियम के इज इक्वल टू 1/4πε0. इन अदर फॉर्म के इज इक्वल टू 1/4πε0m. εm देयर इज εm इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम. डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट इज गिवन बाय के और एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे एप्सिलॉन मीडियम भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट. इन वैक्यूम एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इन मीडियम में एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन एम से. एप्सिलॉन एम की वैल्यू अगर यहां से निकाली जाए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट. देन एप्सिलॉन नॉट इज द फ्री स्पेस परमिटिविटी. द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85×10⁻¹² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इन राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ के और 1/4πε0 इज इक्वल टू 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटीज का जो टॉपिक है कूलम्ब लॉ उसे कंप्लीट किया है. नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में.